13 तारीख में हथमौली गांव से एक बच्चे के अपहरण की सूचना प्राप्त हुई थी। इस सूचना पर तत्काल सभी वरिष्ठ अधिकारी मौके पर पहुंचे थे, हमारी क्राइम ब्रांच भी आई थी। बदमाश जिस मोटरसाइकिल से ले गए थे, जो संदिग्ध मोटरसाइकिल थी, एक नंबर ट्रेस हुआ, उसी को डेवलप करते करते पुलिस को ये सफलता मिली कि बच्चा कहीं बाहर निकल गया है, क्योंकि कुछ इस तरह की सीसीटीवी फुटेज भी आई थी। सीसीटीवी की पुलिस सरगर्मी से जो भी संभावित स्थान थे सभी जगह तलाश कर रही थी, हमारी भरतना पुलिस और एसओजी। कल जब ये लोग इसी तलाश में घूम रहे थे तो एक मुखबिर से इन्हें सूचना मिली कि एक संदिग्ध मोटरसाइकिल पे एक बच्चे के साथ कुछ लोग इधर आ रहे हैं चोबिया की तरफ से। इस सूचना पे तत्काल भरतना पुलिस और एसओजी टीम ने घेराबंदी करी। अपने आप को घिरता हुआ देख के बदमाश भागने लगे तथा उनमें से एक बदमाश ने पुलिस पार्टी पर फायर भी किया, लेकिन क्योंकि मुखबिर की सूचना थी, ये सटीक सूचना थी कि एक बच्चा उनके साथ है, तो बच्चे की जान को देखते हुए पुलिस द्वारा कोई फायरिंग नहीं की गई, लेकिन जो अपनी टैक्टिकल तकनीक इन्हें सिखाई जाती है उसके माध्यम से ओवरपावर किया। जब ओवरपावर किया तो 3 अभियुक्तों को बच्चे सहित पकड़ा। ये बच्चा वही था जो 13 तारीख में जिसका अपहरण किया गया था। इसमें 2 अभियुक्त जो मुख्य अभियुक्त थे, जो लेके भागे थे बच्चे को, अभी वो उनकी तलाश जारी है, क्योंकि इस बच्चे को ले जाने के बाद इन्होंने अन्य लोगों के साथ मिलके इस बच्चे को, संभवतः ये किसी, इनका कुछ ये भी संज्ञान में आया है कि कुछ पैसे का लेन देन था, हो सकता है इसकी हत्या भी कर सकते थे, लेकिन पुलिस की सूझबूझ और तत्परता से बच्चे को सकुशल बरामद कर लिया गया है। इस संबंध में, इनकी गिरफ्तारी के संबंध में अभियोग पंजीकृत करके आज इन 3 अभियुक्तों को जेल भेजा जा रहा है तथा बच्चे को उसके माता पिता के साथ सौंप दिया गया है। बच्चा और उसके माता पिता सभी बहुत खुश हैं। एक अच्छा उत्कृष्ट कार्य भरतना पुलिस और एसओजी ने किया है। इसके लिए एसएसपी महोदय ने इस टीम को पुरस्कृत करने के 25,000 रुपये का पुरस्कार भी घोषित किया है, जो इस टीम को दिया जाएगा। जनवाद टाइम्स की सभी खबरों को लगातार देखने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।